प्राइम मिनिस्टर, क्या ये आपका सबका साथ और सबका विकास है? जिस तरीके के साथ हरियाणा मावाद के अंदर आपके बजरंग दल वाले, आपके चहीते वीएचपी बजरंग दल के आतंकवादी, वो भगवादारी जिनके हाथों में चूड़ियां, बड़ी बड़े हथियार, पिस्टल, AK-47 सब दिखाई दे रहे हैं ट्विटर पर वीडियो के जरिए, फोटो के जरिए, और मैं भी इस वीडियो में जरूर वो आपको फोटो दिखाने की कोशिश करूंगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या यही सबका साथ सबका विकास था आपका? क्योंकि हरियाणा के अंदर सरकार आपकी है, और हरियाणा के अंदर जो आपका चीफ मिनिस्टर है हरियाणा का, वो उस आतंकवादी मोनू मुनसर को बेकसूर कहता है जो वांटेड है, जिसने दो लोगों को, दो मुसलमानों को आज से कुछ महीने पहले जिंदा गाड़ी में जला दिया, जिसको जेल में होना चाहिए था, उसको हरियाणा की सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। और हरियाणा का होम मिनिस्टर कहता है कि उसका कोई कसूर नहीं है, जो खुले आम अवाम को उकसाता है कि चलिए ससुराल चलते हैं। मैं ऐसे तमाम भगवादारियों को, मैं ऐसे तमाम बजरंग दल के आतंकवादियों को खुले आम चैलेंज करता हूं, दम है तो जाके दिखाओ जामा मस्जिद के अंदर दिल्ली में, दम है तो जाके दिखाओ बंगाल और राजस्थान में, दम है तो जाके दिखाओ उन जगहों पे जहां मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी है। हरियाणा में तो कुछ परसेंट मुसलमान हैं, उनको डराते हो और कहते हो हम ससुराल आए हैं। एक बार श्रीनगर आके दिखाओ, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर आके दिखाओ, पीर पंजाल चनाब वैली आके दिखाओ, फिर बताते हैं ना हम जीजा कौन है और साला कौन है, किसके ससुराल में कौन जाएगा, ये हम बताएंगे फिर। और मैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से ये कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा भारत के आयन के अंदर रह के अपनी बात करते हैं, लेकिन अपने इन चहेते आतंकवादी वीएचपी बजरंग दल वालों को जेलों में डालो। और वो जो मोनू का नाम, जो वो मोनू नाम का एक आतंकवादी है जो खुले सांड की तरह घूम रहा है, जिसने दो मुसलमानों को गाड़ी में जिंदा जला दिया, वो अभी तक फरार है और वीडियो बना के उकसाता है लोगों को कि चाहिए मावाद के अंदर, मैं भी आ रहा हूं, और उसको जेल में होना चाहिए, इस टाइम सूली के ऊपर लटका देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से सैकड़ों मुसलमानों की जाने चली जा सकती हैं, सैकड़ों गाड़ियां जल गई हैं, मस्जिद जल गई है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने देश के संविधान की कसम खाई है, भारत की आईन की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेवारी है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपके लिए कोई लाइक और डिसलाइक नहीं होना चाहिए, आपको भारत के आईन के अंदर रह के तमाम भारतवासियों की सुरक्षा की गारंटी उठानी चाहिए। और जिस तरीके के साथ आपकी हरियाणा की सरकार ने दंगे भड़काए हैं और वीएचपी बजरंग दल को खुले आम सांड की तरह छोड़ दिया है सड़कों पे, इनको कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि इससे भारत की एकता और इत्तेहाद में फर्क पड़ता है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इस बात को समझ लें, आप 2024 का चुनाव जीतने की खुशी में भारत को तबाह मत करो, भारत के टुकड़े मत करो। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं इसी के साथ अपनी वीडियो खत्म करता हूं और तमाम भारतवासियों को कहना